नमस्कार दोस्तों, मैंने इस डिज़ाइन का कार्डिगन बनाया हुआ है और मैं अपने चैनल पे डाली हुई हूँ। और एक लोगों ने मुझसे कहा है कि इसका डिज़ाइन प्लीज़ शेयर कीजिए, तो मैं उनके फरमाइश पे ये डिज़ाइन लेकर आई हूँ। अब ये देखिए, बेल की तरह डिज़ाइन बना हुआ है और ये कैसे बनता है मैं आपको दिखाती हूँ। इसके लिए मैं पहले से थोड़ा सा ये फंदे को फाड़ ली हूँ और ये डिज़ाइन पूरे जो है 25 फंदे में बनते हैं। और हमें जितना भी स्वेटर का फंदा लेना है उसके बीचों बीच हमें 25 फंदे लेने हैं। और इधर हम देखिए बॉर्डर बनाए हुए हैं, ये सिर्फ उल्टा उल्टा का ही बॉर्डर बनाए, आप इसको उल्टा सीधा भी बना सकती हैं। और इसमें ये देखिए, मैंने नीचे में जो बॉर्डर बनाया हुआ है ये कितना सुंदर दिख रहा है, ये लूप की तरह आया हुआ है। और ये आप अपने स्वेटर के हिसाब से फंदे ले सकते हैं। मैं देखिए 25 फंदे के हिसाब से मैं दूसरे में फान ली हूँ और एक सिलाई मैं वैसे ही सिंपल बना ली हूँ। और ये देखिए, मेरा ऊन करीब इतना मोटा है तो इसके लिए मैं 9 नंबर की सिलाई को लेकर आई हूँ। और आप ये 9 नंबर के या 10 नंबर के कांटे पर आप बना सकते हैं। ये मेरा 31 फंदा है, 31 फंदे हैं, और इसमें जो है 3 फंदे इधर और 3 फंदे इधर छूटेंगे और ये बीच में जो 25 फंदे हैं इसी में हमारा डिजाइन बनेगा। अभी देखिए कैसे बनता है, हम आपको दिखाते हैं। पहले 3 फंदे को हम सीधा बना लेंगे। अब ये 3 फंदे बन गए। अब इसके बाद तीन फंदे हमारे एक्स्ट्रा हो गए और 3 फंदे और हम बना लिए हैं। अब इसके बाद देखिए, ये हमको जाली डालना है और ये हम बनाएंगे। ये देखिए 3 फंदे हमारे जो किनारे के एक्स्ट्रा थे वो हैं और फिर मैंने 3 फंदे और बना लिए और इसमें एक और बनाएंगे। कुल टोटल हो गए 7 फंदे। अब इसके बाद हमारा डिजाइन बनना शुरू होगा। ये 2 फंदे का हम एक करेंगे, ये 2 का हमने एक कर लिया। अब यहाँ पे हमारी जाली पड़ेगी, तो जाली के लिए फंदे आगे करके और इसको ऐसे बना लेंगे। ये हो गया, एक जाली हो गया। और अब इसके बाद हम फंदे को आगे करके 2 फंदा उल्टा बनाएंगे। ये 2 फंदे उल्टे हो गए। अब फिर वापस फंदा को पीछे करेंगे और इस पर हम चोटी बनाएंगे। तो चोटी बनाने के लिए इसको हम ऐसे उतार लेंगे और ये 2 का एक करेंगे। ये 2 का एक कर दिए। अब यहाँ पे हम जो है फिर से एक फंदा और बनाएंगे जाली, एक फंदा हमने और जाली बना लिया। तो एक जाली यहाँ बना है हमारा और एक जाली यहाँ पे बना है, ये दिख रहा है। एक यहाँ जाली बना है और एक यहाँ जाली बना है। अब इसके बाद हम 2 फंदा वापस उल्टा, 2 फंदे उल्टे बना लिए। अब फिर वापस हम पूरे फंदे को ऐसे सीधा बना लेंगे। अभी देखिए उल्टे साइड भी हमारा जो है, सारे फंदे हम तो ऐसे ही बनाएंगे, बस यहाँ पे जो हम उल्टा बनाए हैं इधर उसको यहाँ पे हम सीधा बनाएंगे और जो हमारी ये बीच की जो ये जाली है यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करेंगे। फिर यहाँ तक हम बना के आपको दिखाते हैं। ये देखिए हम उल्टा बना लिए। अब ये देखिए हमारे जो 2 फंदे हमने इधर उल्टे बनाए थे, अब ये यहाँ पे हम आ गए हैं तो इसको हम सीधा बनाएंगे और फिर फंदे को आगे कर देंगे और इसको जो है दो का हमने एक कर दिया और वापस जो है ऐसे हम एक फंदे को ऐसे चढ़ा के फिर इसको बना लेते हैं। जाली हमारा बन गया। अब वापस जो 2 फंदे इधर उल्टे हमने बनाए थे इसको हम
सीधा बना लेंगे। फिर हम जितने फंदे हमारे हैं सब उल्टे बना लेंगे, और यहाँ पे जो हमारा जाली है इसको भी हम ऐसे ही बना लेंगे। ये देखिए हमारा दो सिलाई हम बना लिए हैं। अब वापस हम सीधे के तरफ आ गए हैं। ये देखिए हमारे यहाँ पे एक जाली है और एक जाली यहाँ पे है, दो जाली हमने बनाया है। अब वापस देखिए यहाँ तक बनाते हैं। ये देखिए हमने यहाँ तक आ गए हैं। अब इसको हम एक ज़्यादा बन गया है। अब यहाँ पे हम दो का एक करेंगे। बस ये समझना है यहाँ हमारा जाली है तो इसके पहले वाले फंदे को हमने दो का एक करना है, तो ऐसे करेंगे ताकि चोटी बनती जाएगी। ये देख रही हैं, ऐसे चोटी बनते जाएगा और यहाँ पे हम जाली बनाएंगे। ये देखिए एक और ये दो, दो जाली बन गया। देखिए ये यहाँ पे चार जाली ऐसे बनेंगी, ये दो जाली बन गया। और वापस यहाँ पे एक फंदे सीधे हैं तो इसको हम सीधा बना लेंगे, और वापस हम उल्टे के पास आ गए तो दो फंदा उल्टा बनाएंगे। अब यहाँ पे हमारा जो मेन बीच वाला जो जाली है जो ये बेल की तरह जाएगा, हम वहाँ पे आ गए तो इसको हम सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद यहाँ पे दो का एक करेंगे, ये हो गया। अब यहाँ पे जाली बनाएंगे, ये जाली बन गया। अब यहाँ पे दो फंदे वापस से उल्टे हैं, और फिर वापस हम पूरा फंदा सीधा बना देंगे। फिर वापस हम यहाँ तक आएंगे, उसके बाद यहाँ की डिजाइन जो है आगे का शुरू होगा। यहाँ तक हम आपको बनाकर दिखा देते हैं। ये देखिए हम यहाँ तक उल्टा बना लिए हैं। अब जहाँ पे हमारा सीधा है वहाँ पे हम आ गए हैं, तो दो फंदे सीधे बना लिए। बस थोड़ा सा यहीं पे समझना है, और ये दो का हम एक करेंगे। ये देखिए हमारा ये जो जाली वाला फंदा है और ये जो चोटी वाला फंदा है, इसको दो का एक कर लेंगे, और फिर यहाँ पे जो है फंदा ऐसे घुमाकर इसको बना लेंगे। फिर दो फंदे हमारे सीधे हैं, उल्टे तरफ हमें बस यही ध्यान देना है। यहाँ पे दो फंदे सीधे बनाने हैं और बीच में हम दो का एक करेंगे, और उसके बाद सिलाई के ऊपर से एक फंदा घुमाकर ले लेंगे। बस उसके बाद बाकी जैसे है वैसे हमें बना देना है। ये देखिए हम सीधा बना लिए हैं। ये देखिए ये हमारा जाली वाला फंदा है, और इसके एक पहले ये दोनों दो का हमें एक करना है। ये दो का एक हो गया। अब यहाँ पे हम जाली बनाएंगे, एक ये दो। अब यहाँ तीसरी जाली बनेगी, ये तीसरी जाली बन गई। और इसके बाद देखिए सीधा फंदा है तो ये हम सीधा बना लेंगे। अब यहाँ उल्टा है दो फंदा। अब यहाँ पे हम जाली बनाएंगे, यहाँ पे भी दो का एक करेंगे। अब यहाँ पे हम जाली बनाएंगे, और फिर दो फंदे उल्टे। फिर वापस से हम पूरा फंदा सीधा बना लेंगे।
ये देखिए हमारा सीधा वाला फंदा आ गया है। अब यहाँ पे हम दो का एक करेंगे, अब ये हो गया। अब इसके ऊपर से ऐसे करके अब ये बना लिए, जाली यहाँ पे हो गया पीछे से भी। अब यहाँ पे दो फंदे सीधे और वापस से जितने फंदे बने बचे हैं सारे उल्टे। ये जैसे हम लोग बना रहे हैं ये ऐसे ही बनता जाएगा जब तक ये हमारे यहाँ चार जाली नहीं हो जाते, एक ये दो ये तीन। अभी एक जाली और बनाना है, तो जैसे हम बनाए हैं अभी तक सेम वैसे ही बनाएंगे। यहाँ पे जाली बनाएंगे, यहाँ दो का एक करके जाली बनाएंगे, फिर जो फंदे यहाँ पे हैं एक्स्ट्रा हो जा रहे हैं इसका सीधा बनाएंगे, दो फंदे उल्टे और यहाँ पर दो का एक करके फिर यहाँ पर जाली बनाएंगे और फिर यहाँ पर उल्टा और फिर वापस सीधा। इतना इसी तरह एक और हम देखिए जाली बनाते हैं। ये देखिए हम दो का एक करेंगे और यहाँ पे हम चौथी जाली डालेंगे। चौथी जाली बन गई। यहाँ पे उल्टा इसको सीधा करके यहाँ दो का एक करेंगे, फिर वापस यहाँ पे जाली, फिर दो फंदे उल्टे, अब ये देखिए हमारा यहाँ तक का डिजाइन कंप्लीट हो गया है। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक के डिज़ाइन कंप्लीट हो गई है। अब इसके बाद ये मुड़ेगा, यहाँ से यहाँ तक हम बना लेंगे और ये जो सीधे फंदे बचे हुए हैं इसका हम पूरा अच्छी तरह उतार देंगे इसको बीन कर। ये देखिए हम पूरा सिलाई बना लिए हैं और ये हमारे एक दो तीन चार, ये चार जाली बन गई है। अब ये देखिए एक दो तीन चार, ये चार जाली बन गई और ये चार चार की जो है तीन लाइन बनाना है। ठीक है, अब यहाँ तक तो अभी हम बता रहे थे कि यहाँ पे जाली बन रहा है और यहाँ पे फंदा घट रहा है, और यहाँ पे जाली बन रहा था और यहाँ फंदा घट रहा था। अब देखिए यहाँ पे जाली बनेगा और यहाँ फंदा घटेगा और ये बीच वाला तो सेम ही रहेगा। अब देखिए यहाँ तक हम बनाते हैं और यहाँ जाली पड़ेगी। अब बनाते हैं इसके बाद देखिए, अब इसको सीधा ही बना लेंगे। ये हमारा जितना सीधा फंदा था जो दो फंदे उल्टे बनाते हैं वहां तक हम पूरा बना लिए हैं। ये कितने फंदे हैं, एक एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस, ये दस फंदे हैं और यहाँ पे दो फंदे जो हमारे उल्टे हैं वो यहाँ तक आ गए। अब यहाँ पे हम बनाएंगे जाली, तो जाली यहाँ पे बनाने के लिए यहाँ पे उल्टे फंदे हैं तो इसको ऐसे बस इसके ऊपर ऐसे घुमा लेंगे और ये उल्टा बनाएंगे। अब बीच में तो ऐसे ही बनाएंगे जैसे हम बना रहे थे। ये दो का एक करेंगे और यहाँ पे जाली बनाएंगे। ये देखिए यहाँ पे हमने दो का एक किया और जाली बनाया, यहाँ फंदा घटा और बढ़ गया और यहाँ पे फंदा बढ़ा हुआ है। अब देखिए ये यहाँ पे घटेगा। अब ये दो फंदे हम उल्टे जब बना लेंगे, दो फंदे हमने उल्टे बना लिए, अब यहाँ पे घटेगा। अभी देखिए इसका फंदे को हमने सीधा कर लिया, अब यहाँ दो का
एक करेंगे। ये देखिए यहाँ हमने दो का एक किया और यहाँ पे जाली बनाए और यहाँ फंदा घटा, मतलब यहाँ बढ़ेगा और यहाँ घटेगा, तो ये हमारा ये इस तरह डिजाइन जाएगा, यहीं से पता चल रहा है। अब बाकी जो हमारे जितने भी फंदे हैं सबको हम ऐसे ही बना लेंगे। ये देखिए हम उल्टे साइड आ गए हैं, उल्टे साइड वैसे ही सेम करना है जैसे हम बना रहे थे। ये दो फंदे हमारे सीधे हो गए, अब यहाँ पे दो का एक करेंगे, दो का एक करेंगे और यहाँ ऐसे घुमाकर इसको बना लेंगे, ऐसे ये हो गया। अब यहाँ पे वापस सीधा फंदा दो, अब जैसे उल्टा में बनाते हैं सारा वैसे ही बना लेंगे। जो हमारा जाली बन जाता है उसको भी उसी तरह सिंपल बना लेते हैं। ये देखिए हमारा ये भी लाइन कंप्लीट हो गया बन के। अब ये देखिए यहाँ पे जाली तो कंप्लीट हो चुका है, अब यहाँ पे जाली बनना हमारा शुरू हो गया। अब इसी तरह इस जाली को भी हम चार बनाएंगे, ये देख रहे हैं इस जाली को भी हम चार बनाएंगे और यहाँ पे फंदा नहीं घटेगा, यहाँ घट रहा था लेकिन यहाँ नहीं घटेगा, यहाँ पे घटेगा, ताकि इसका डिजाइन जो है ऐसे तिरछा होते जाएगा। और इसी तरह ये चार चार का तीन पत्ती हम बनाएंगे, तीन लाइन बनाएंगे। अभी देखिए एक तो शुरू हो गया है यहाँ पे और इसी तरह हम यहाँ पे चार जाली बनाएंगे। ये देखिए हम अपने जाली के पास आ गए, अब यहाँ पे एक जाली बन चुका है, अब यहाँ पे दूसरा जाली बनाएंगे। अब फिर वापस से दो फंदे उल्टे, यहाँ पे जाली बनाएंगे दो का एक करके, ये फंदा हम इसलिए पलटते हैं ताकि ये चोटी हमारी सीधी सीधी दिखे। अब यहाँ पे जाली बनाएंगे, फिर वापस से दो फंदे उल्टे। अब ये देखिए दो फंदे जब हमने उल्टे बना लिए तब यहाँ पे हमारा फंदा घटेगा, इसको भी सीधा, इस फंदे को सीधा कर लेंगे ऐसे उतार के और यहाँ दो का एक करेंगे और जितने फंदे बचे हैं जिसको हम इसी तरह बना लेते हैं। फिर वापस हम यहाँ से बना के उल्टा बना के यहाँ पे आके फिर आपको दिखाते हैं। ये देखिए हमारा यहाँ तक बन गया है, ये दूसरा लाइन भी हम चार जाली बना लिए हैं, एक दो तीन चार, ये दूसरा भी हमने बना लिया है, ये पहला तो बन ही चुका था। अब देखिए तीसरा हम शुरुआत करेंगे, चौथा यहाँ पे ख़त्म हो गया है, ये देखिए एक दो तीन चार जाली यहाँ ख़त्म हो गया है। अब जो ये उल्टा वाला है यहाँ तक हम इसको सीधा बना लेंगे, फिर यहाँ पे ये तीसरी लाइन शुरू हो गई, ये जाली की तीसरी लाइन। ये देखिए जहाँ तक हमारा ये सीधा है वहाँ तक हम बना लिए हैं और ये कुल 14 फंदे हैं, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह 14, ये 14 फंदे हैं। और ये देखिए दो फंदे हमारे उल्टे वाले हैं। अब यहाँ पे देखिए जाली कैसे बनाना है, जैसे हम यहाँ पे बनाए थे ऐसे ही बनाना है, बस इस फंदे को इस सलाई पर ऐसे घुमा लेना है, बस एक बार घुमा लेना है और ये दो फंदे उल्टे अब सेम जैसे हम करते हैं वैसे ही करना है। इसको सीधा फंदे को करने के बाद दो का एक करेंगे और यहाँ पे जाली वापस, यहाँ पे दो फंदा उल्टा, अब देखिए यहाँ पे जो फंदे हमारा घट रहा था यहाँ से शुरू हुआ था ये घटते ही जाएगा, इस फंदे को हमने सीधा कर लिया और यहाँ पे दो का एक करेंगे।
अब जो ये फंदे हैं इसको हम ऐसे ही बना लेंगे सीधा। ये देखिए हमारा, देखिए ये डिजाइन इस तरफ जा रहा है और यहाँ पे फंदा घट रहा है और यहाँ पे फंदा हमारा बढ़ रहा है और यहाँ पे घट रहा है, तो ये डिजाइन ऐसे तिरछा होते जा रहा है। अब ये एक लाइन बन गया है, दो लाइन बन गया है, ये तीसरी लाइन भी हम चार जाली बनाएंगे। अब ये हम यहाँ तक बना के फिर आपको आगे आपको दिखाते हैं। ये देखिए हमारा ये तीनों लाइन बन के तैयार हो गया है, एक दो तीन चार, चार जाली यहाँ पे भी हो गया है और चार चार जाली यहाँ पे भी है, मतलब यहाँ तक हमारा डिजाइन बन गया है। यहाँ तक ये एक दो ये तीन, ये तीनों लाइन हमारा बन गया है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे अब इस साइड जाली बनेगी, ये देख रहे हैं तीनों पत्तियाँ इधर हैं, तो यहाँ पर अब जाली बनेगा। अब ये कैसे बनेगा ये देखिए, जो ये फंदा घट रहा था ये सेम इसी तरह घटेगा और यहाँ पे जाली के साथ रहेगा और यहाँ पे जैसे हम बना रहे हैं सादा उसी तरह बनेगा। अब ये देखिए यहाँ से यहाँ तक हम ऐसे बना लेंगे और ये जो बीच का डिजाइन है, दो फंदे उल्टे और यहाँ पे जाली और दो फंदे उल्टे, ये सेम इसी तरह बनाएंगे और जाली यहाँ पर पड़ेगा इस जगह पर। चलिए देखते हैं, अब ये देखिए यहाँ पे हम दो फंदे उल्टे बनाएंगे और ये बीच वाला हमारा चोटी है, इसको सीधा करके दो का एक, और यहाँ पे जाली बन गया। अब वापस यहाँ पे दो फंदे उल्टे। अब ये देखिए जहाँ पे ये फंदा घट रहा था हम यहाँ पे आ गए और यहाँ पे ये चोटी वाला फंदा इसी तरह हम पलट देंगे और यहाँ पे हम जाली बनाएंगे, ये फंदे हमारे आगे ही रहेंगे और ये दो का एक करेंगे और ऐसे करेंगे तो यहाँ पे जाली भी बन जाएगा और हमारा फंदा भी घट जाएगा। ये देखिए यहाँ पे फंदा भी घट गया और ये जाली भी बन गया, मतलब एक फंदा बढ़ गया और एक फंदा घट गया, तो हमारे जितने फंदे थे हमारे कुल टोटल उतने ही फंदे रहेंगे। अब जो फंदे बचे हुए हैं इसको हम ऐसे बना लेंगे। ये देखिए अब यहाँ पे ये जाली के ये सॉरी जो फंदे घट रहे थे, चोटी बन रहा था, यहाँ तक तो बन गया। अब यहाँ पे हम चार जाली बनाएंगे और फंदे भी घटाएंगे और जाली भी बनाएंगे और इस यहाँ पे जो है सीधा सीधा जैसे सीधा बना रहे थे वैसे सिंपल पूरा सीधा बना लेंगे, जैसे यहाँ पे हमारा बन रहा था पूरा सीधा सीधा और सादा बन रहा था वैसे अब यहाँ पे बनेगा और ये बीच में डिजाइन वैसे ही बनेगी और ये चार फंदा चार जाली एक के ऊपर एक, ये एक लाइन ऐसे ही बनेगा। अब यहाँ पे जब ये चार जाली बन जाएगी तब इस डिजाइन का जो रुख है इधर की तरफ हो जाएगा। अब हम दिखाते हैं आपको, और ये उल्टा तो उसी तरह बनाएंगे जैसे हम बना रहे थे। ये देखिए यहाँ पे जो हम जाली बना रहे थे, एक दो तीन चार, ये जाली बन गया है और अब देखिए इतना हम बना लिए हैं सीधा और ये जो दो फंदे हम उल्टे बना रहे थे यहाँ पे, ये दो फंदा हम छोड़े हुए हैं। अब ये यहाँ पे हम दो का एक करेंगे और यहाँ पे अब फंदा घटते, जैसे यहाँ पे फंदा घटते जा रहा था और यहाँ जाली बन रहा था,
यहाँ फंदा घट रहा था और यहाँ पे जाली बन रहा था। ये एक लाइन छोड़ के ये दो लाइन का जो जाली है वो यहाँ फंदा घट रहा था और यहाँ जाली बन रहा था। अब ये देखिए इधर जो है फंदे घटते गए और जाली बनते गए और यहाँ पे अब दो लाइन के और यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे हम बनाए हुए हैं ये एक जाली तो ये बन गया है एक लाइन और दो लाइन यहाँ पे जाली बनेगा और इधर फंदा घटेगा। इसी तरह देखिए अब यहाँ पे हम दो फंदे जो छोड़े हुए हैं यहाँ पे फंदा घटेगा। अब यहाँ पे हम दो का एक करेंगे और इस तरफ की जब हम जाली बनाते हैं तो ये फंदा को सीधा करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि ऐसे जब हम करेंगे तो यहाँ ऑटोमेटिक ये सीधा हो जाएगा, ये चोटी बन जाएगी। और अब दो फंदे उल्टे और ये बीच का जाली बनेगा तो ये फंदे को सीधा करके यहाँ पे दो का एक कर लेंगे और यहाँ पे जाली बनेगा, फिर वापस से दो फंदे उल्टे। अब ये दो फंदे उल्टे हो गए, यहाँ पे यहाँ फंदा घट गया और यहाँ पे एक फंदा घटा और बढ़ गया और यहाँ पे फंदा घटा है और यहाँ पे फंदा बढ़ेगा ताकि हमारा जो ये पूरा 31 फंदा है 31 फंदे हैं ये हमारा पूरा बराबर रहे। और यहाँ पे फंदा आगे ही रहेगा, ये देख रहे हैं आगे है और यहाँ से ऐसे सीधे जाली बन जाएगा, ये एक जाली बन गया और जो ये फंदे बचे हुए हैं इसको हम ऐसे सीधा बना लेंगे। अब यही ध्यान देना है कि यहाँ पे अब यहाँ पे फंदा घटेगा और यहाँ फंदा बढ़ेगा, यहाँ पे जाली बनेगी और यहाँ फंदा घटेगा और जो ये हमारा ये बेल की तरह आया हुआ है अब ये इधर जाएगा। अब इसमें देखिए एकदम साफ साफ दिख रहा है, ये देखिए ये ऐसे जाकर फिर वापस ऐसे गया है। तो यहाँ पे ये जो जाली है यहाँ पे फंदा घटेगा और बढ़ेगा, ये दोनों एक साथ होगा और यहाँ पे फंदा घटेगा और बढ़ेगा तो यहाँ पे हमारा दोनों बराबर है। और यहाँ पे फंदा जब बढ़ेगा तो यहाँ से घटना शुरू होगा, मतलब ये चार जाली जो बन जाएगी तो यहाँ से फंदा घटना शुरू होगा और यहाँ बढ़ना शुरू होगा और बीच का पैटर्न सेम ऐसे ही रहेगा। और यहाँ पे जब घटेगा तो ये ऑटोमेटिक ये डिजाइन इधर की तरफ झुकता जाएगा और ये फंदा तब तक घटते जाएगा और तब तक ये दो जाली यहाँ पे हो जाएगी और एक जाली यहाँ बन जाएगी तो ये फंदा घटते जाएगा। और जब ये चार जाली हमारा ये बन जाएगा तो फिर यहाँ से फंदा घटना शुरू होगा, फंदा यहाँ घटेगा और यहाँ पे जाली बनेगी, दो यहाँ पे होगा और ये फंदा तब तक घटेगा जब तक कि यहाँ पे एक ये जाली वाला एक लाइन और नहीं बन जाता। यही बस ध्यान देना है कि जब ये फंदा जो घटने वाला प्रक्रिया है तो यहाँ पे जब ये चार जाली बन जाएगा तो ये घटने वाला यहाँ से बंद हो जाएगा और यहाँ से शुरू हो जाएगा, यही ध्यान देना होता है। और ये देखिए डिजाइन इस तरह बन के तैयार होगा। यहाँ पे हम लाल रंग का फूल बनाएंगे, आप यहाँ पे मोती भी लगा सकती हैं लेकिन यहाँ पे हम लाल रंग से फूल बनाए हुए हैं। आप जो कलर से बनाना चाहें उसका एक कंट्रास्ट कलर लेंगे, एक लाइट और एक डार्क, तो ये डिजाइन बनके और भी सुंदर होगा। अब ये फूल हम बनाए हैं ये हम अगले वीडियो में अपने चैनल पे डाले हुए हैं, आप उस पर जाकर देख सकते हैं। धन्यवाद।